जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याद हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा के पावन नवरात्रों में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से, आपका अपना चैनल है ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी दर्शक हैं, नए हों, हमसे जो नए जुड़ रहे हैं, जो हमारे पुराने दर्शक हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की बात करते हैं, मंगल नीच का होने जा रहा है 20 अक्टूबर को, सूर्य की सिंह राशि पर क्या प्रभाव होगा, हर राशि के बारे में अलग अलग डिटेल में बताएंगे। तो आज की जो अध्याय है, ये सूर्य का जो सिंह राशि है और उसके ऊपर ही हमने प्रोग्राम बनाया। सिंह राशि जिसके स्वामी होते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देवता, सूर्य देवता 17 अक्टूबर को नीच राशि में जा रहे हैं, नीच राशि मतलब तुला राशि, और मंगल 20 अक्टूबर को मिथुन राशि से निकल करके अपनी नीच राशि कर्क में जा रहे हैं। ये दोनों ग्रहों की ये चाल है जो आपको बताएंगे। मंगल देव यहाँ पर 21 जनवरी तक कर्क राशि में नीच के प्रभाव में रहेंगे, जो करीब 90 दिन का समय होता है, 20 अक्टूबर से लेकर के और 21 जनवरी तक 90 दिन मंगल देवता नीच के रहेंगे, काफ़ी बड़ा लंबा समय है। नए साल का जो शुभारंभ है वो भी नीच के मंगल के साथ होगा, उसी के साये में होगा। हमारे नवग्रह मंडल में मंगल देवता को सेनापति का, सेना नायक का पद मिला हुआ है। यहाँ राजा सूर्य के भी सेनापति बनते हैं। मंगल का गोचर सिंह राशि से 12वें भाव में हो रहा है, जहाँ पर कर्क राशि है। मंगल देव सिंह राशि वालों के लिए भाग्य के स्वामी बनते हैं, सुख भाव यानी चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, केंद्र का त्रिकोण का स्वामी है, और ये 12वें भाव द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। मंगल देवता सिंह राशि वालों के लिए पूर्ण योग कारक ग्रह, तो भाग्य का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी, पूर्ण योग कारक ग्रह। तो 12वें भाव में जब मंगल गोचर करेंगे तो यहाँ मांगलिक योग भी बनाएंगे। मांगलिक योग हमारी कुंडली में पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और 12वें भाव, इन भावों में अगर मंगल बैठता है तो मांगलिक योग बनता है। 12वें भाव में मंगल है तो मांगलिक योग नेचुरली बनेगा। मंगल हमारी कुंडली में कितने चीज़ों के कारक हैं बताते हैं आपको। मंगल अग्नि तत्व वाला ग्रह है, क्षत्रिय वर्ण है मंगल का, रंग लाल होता है इसका, दिन इसका मंगलवार होता है, ये मेष राशि वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं, ये बल और साहस का कारक है, पुरुष ग्रह है, ये खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा ऊर्जावान ग्रह कहा जाता है। ईंट भट्टा, कृषि कार्य, जमीन जायदाद, होटल, सर्जरी, स्पोर्ट्स, युद्ध कला या आत्मनिर्भर होना, रसायन शास्त्री, तेजस्वी, भू संपत्तिवान, कृषि कार्य के से लाभ कमाने वाला, बिजली उपकरण और बिजली के विभाग में जो काम करते हैं या बिजली का जो काम करते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी हो, ऐसे लोगों का ये कारक होता है। पुलिस में, मिलिट्री में जो लोग होते हैं, एयरफोर्स में, नेवी में जो लोग होते हैं, इन सब का कारक मंगल होता है। तो विवाह साहस चाहिए, दांतों का डॉक्टर भी मंगल बनाता है, वकील भी मंगल बनाता है, क्योंकि वकील के लिए भी बहस करने के लिए, जरह करने के लिए पावर चाहिए होती है, तो मंगल ही देता है। तो मंगल इन सब चीज़ों का कारक होता है। तो जो व्यक्ति ये काम आपको मैंने बताया, इन कामों में से अगर किसी भी लाइन में है, कोई भी काम करते हैं, तो थोड़ा उनको, ऐसे लोगों को सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि तो मंगल इनका नीच का होने जा रहा है, तो सावधानी रहेंगे तो बहुत लाभ फायदे में रहेंगे। सिंह राशि एक स्वाभिमानी राशि है, खुददार राशि है, क्योंकि तो सिंह राशि को तो आप समझते हैं शेर, तो ये किसी के दबाव में नहीं रहते और लोगों को अपने दबाव में रखना चाहते हैं, ये सिंह राशि का एक नेचर है, प्रकृति है इसकी। ऐसे में मंगल का नीच का होना अच्छा नहीं माना जाता है, तो मंगल सेनापति है,
राजा भी नीच का, सेनापति भी नीच का, तो अच्छा प्रभाव आप समझ सकते हैं नहीं मिलेगा आपको। तो सूर्य भी 17 अक्टूबर को तुला राशि में जा रहे हैं और 20 अक्टूबर को मंगल कर्क राशि में जा रहे हैं, तो दोनों जो है वहाँ नीच का प्रभाव देंगे। तो मंगल नीच, इधर सूर्य भी नीच। मंगल देवता नीच के होकर के 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, सूर्य देवता नीच के होकर के 3रे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तीसरा भाव तुला राशि, 12वां भाव कर्क राशि। 16 नवंबर तक सूर्य देवता तुला राशि में रहेंगे, नीच के प्रभाव में रहेंगे, नीच के घर में रहेंगे, तो सावधानी रखें पूरा एक महीना। तो सूर्य भी नीच का परेशानी देगा, मंगल भी नीच का, वो भी परेशानी देगा। कोई ना कोई बड़ी परेशानी आपके लिए खड़ी हो सकती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। मंगल का 12वें भाव का गोचर नीच का होने के बाद अच्छा नहीं माना गया, यहाँ पर खर्चे बहुत बड़े चढ़े रहते हैं, क्योंकि 12वां भाव खर्चों का भाव होता है, खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे आपके। ये भाव हॉस्पिटल का, जेल खाने का, पुलिस केस का, कोर्ट कचहरी का, राज दंड भी इस भाव से मिलता है, फालतू की यात्रा इसी भाव से होती है, और गुप्त शत्रुओं से परेशानी भी इस भाव के द्वारा प्राप्त होती है। कर्जे से बचें, ऐसे समय आपको जो छुपे हुए आपके दुश्मन हैं, गुप्त शत्रु हैं, उनसे आपको परेशानी पैदा हो सकती है। कर्जा अगर किसी से लेंगे तो कर्जा लेना तो आसान हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन उसको चुकाने में दिक्कत होगी आपके लिए, परेशानी खड़ी हो जाएगी आपके लिए। घर का जो वातावरण है कलहपूर्ण हो जाएगा, तो चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल बनता है, और चतुर्थ भाव हमारे घर के सुख का माना गया है, मन के सुख का माना गया है, तो मन में भी कोई ना कोई दुविधा फंसी रहेगी, किसी से लड़ाई झगड़े की आशंका भी है। मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहा है, कर्क राशि चतुर्थ भाव की राशि होती है, माता का कारक होती है, तो यहाँ माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, दवाइयाँ के ऊपर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, आपकी व्यथा की बेकार की भागदौड़ भी बढ़ सकती है। मंगल भाग्य का स्वामी है, भाग्य में जो लिखा है वो भी आपको नहीं मिल पाएगा, भाग्य में आपको बाधा आएगी, आपके जो बनते हुए काम हैं उनमें आपको रुकावटें आएंगी, और भाग्य आपको सपोर्ट नहीं करेगा जब तक सूर्य भी नीच के हैं और मंगल भी नीच का है। सूर्य नीच का जो प्रभाव है वो 16 नवंबर के बाद समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद आपको भाग्य का थोड़ा साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जो सहयोगी हैं उनसे आपको उचित सहयोग नहीं मिलेगा, चाहे वो घर के हों चाहे वो बाहर के हों, आपके भाई भी हो सकते हैं और बाहर के आपके व्यापार में बिजनेस में साझेदार भी हो सकते हैं, और जहां आप कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां का वो स्टाफ भी हो सकता है, आपके सीनियर हों चाहे आपके जूनियर हों। ऐसे समय में जातक उदास रहता है, मन नहीं लगता उसका किसी काम में, मंगल की दृष्टि सूर्य पर है तो सूर्य का प्रभाव भी स्लो हो जाता है, शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, सरकार से लाभ के चांस कम हो जाते हैं, पिता से अनबन रहती है। मंगल छठे भाव पर दृष्टि से, तो मंगल 12वें भाव में बैठा छठे भाव पर दृष्टि डालता है, तो आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। कोई पुराना रोग अगर आपको था, ठीक हो गया था या ठीक हो रहा था, तो उसमें भी आपको कोई दोबारा वो रिपीट अगेन रिपीट हो सकता है, दोबारा वो रोग बढ़ सकता है, परेशानी सामने आ सकती है। अगर पैसा आपने किसी से कर्जा ले लिया तो चुकाने में आपको परेशानी रहेगी, व्यापार के क्षेत्र में और दांपत्य जीवन में आपको परेशानी होगी, पति पत्नी के बीच अनबन होगी, विवाह शादी जल्दी से सेट नहीं हो पाएगा, अगर किसी की शादी तय होगी तो उसमें कोई ना कोई विघ्न बाधा अवश्य पड़ेगी, ध्यान रखें इस चीज़ का। पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद रहेगा। व्यापार की दृष्टि से देखें तो आपके जो साझेदार हैं हो सकता है आपके साथ कोई गद्दारी करें, या आप उनके ऊपर कोई नजायज दबाव बनाएं तो हो सकता है वो आपका साथ छोड़ दें या आपके साथ धोखेबाजी करें। सूर्य का भी सूर्य भी नीच का है, जहाँ बैठा है वो धोखे का भाव होता है, तीसरा भाव, तो यहाँ आपको सरकार से भी कहने के धोखा मिलने के चांस है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या सरकार से किसी प्रकार का आपका व्यापार है, लेन देन है, तो वहाँ भी आपको धोखा मिलने के चांस है।
अब आगे क्या करेंगे आप? शनि यहाँ स्वग्रह ही बैठा है सप्तम भाव के अंदर। अब स्वग्रह शनि या कोई भी ग्रह हो तो थोड़ा सा राहत देता है, लेकिन पूरा महीना जब तक सूर्य देवता नीच के रहेंगे 16 नवंबर तक, तब तक तो परेशानी रहेगी। और 15 नवंबर को शनि बकरी है मार्गी हो जाएंगे और सूर्य नीच के प्रभाव से निकल करके मित्र राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, तो आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके व्यापार में थोड़ी आपको राहत मिलेगी, साझीदारों से आपको राहत मिलेगी और पति पत्नी के बीच में जो संबंध खराब हो रहा है उससे भी आपका बचाव होगा। शादी विवाह के रिश्ते आपको 16 नवंबर के बाद ही आपके बन पाएंगे, उससे पहले कोई बात बनेगी नहीं। दैनिक रोजगार में आपको दिक्कत आएगी, आपकी जो दैनिक जरूरतें हैं उनको पूरी करने में आपको दिक्कत आएगी। एक महीना आपका बहुत परेशानी में गुजरेगा 16 नवंबर तक, आप इसे ध्यान रखें। अगर आप विदेश से कोई व्यापार करते हैं या कोई शिक्षा संबंधी यात्रा आपकी विदेश होने वाली है तो सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी जाने की, व्यापार की, लेकिन अंत समय पर वो काम बिगड़ जाएगा, मंगल उस काम को बिगाड़ देगा, छिरे नहीं चढ़ेगी बाबा। धर्म के प्रति मन उदास रहेगा, धर्म तो है मन में क्योंकि बाकी का मालिक है, लेकिन मन में उदासी रहेगी। दान पुण्य नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे करेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे, पूजा पाठ करेंगे करेंगे नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत आपके साथ रहेगी। तीर्थ यात्राओं के लिए मन करेगा, जाने के लिए नहीं जा पाएंगे। अगर इन सब 90 दिनों में आपके साथ ये घटना घटने वाली है, 90 दिनों में आपके साथ ये हालात बनने वाले हैं, 20 अक्टूबर से 21 जनवरी 2025 तक का आप कोई अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई आप किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सोच समझ के करें आप। कोई वाहन आप खरीदते हैं तो भी आप सोच समझ के वाहन लें। सुख सुविधाओं में आपको कमी महसूस होगी, मन में खुशी कम, एक फॉर्मेलिटी वाली बात होगी, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी होने वाली बात है। आपने वाहन लिया, मन में खुशी नहीं है, वाहन तो ले लिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, लेकिन मन खुश नहीं होगा। जमीन जायदाद कहीं प्रॉपर्टी में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ले लिया कोई मकान, ले लिया कोई प्लॉट, ले लिया या कहीं जगह खरीद ली, काम तो हो गया आपका लेकिन मन में खुशी नहीं होगी। कारण क्या है कि मंगल नीच के भाव में बैठा है और चंद्रमा के घर में बैठा है। चंद्रमा हमारे मन का कारण है, शास्त्रों में कहा है चंद्रमा मनसो, चंद्रमा मन का कारण है। जब हमारा मन ही उदास है तो हमारा मन किसी चीज़ में खुशी नहीं होगी, हमें ना ही किसी काम में हमारा मन नहीं। आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। जो दर्शक हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, नया हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुष्ट एक आइकॉन है बेल घंटी वाला उसको ऑन करें, लाइक करें, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें। कुंडली दिखानी है, अपनी जन्म पत्री हमें भेजिए या जन्म का समय, जन्म स्थान, आपका नाम, जन्म तिथि हमें भेजिए और पाइए अपने भविष्य के लिए सटीक और सिंपल उपाय। बच्चे नहीं होते हैं, शिक्षा में रुकावट आ रही है, काम धंधा नहीं चलता, व्यापार में परेशानी है, रोग पीछा नहीं छोड़ता है, किसी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो, आप हमसे संपर्क करिए, आपको सटीक अच्छा उपाय आपको बताया जाएगा। बात करते हैं कि मंगल को शुभ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो सूर्य भी हमारा नीच का एक महीने के लिए हो रहा है, इसके लिए आपको उपाय बताते हैं। सुबह स्नान करने के बाद एक जल का लोटा लें, उसमें लाल रंग की रोली डालें, थोड़े चावल और चीनी डालें और गायत्री मंत्र बोलते हुए आप सूर्य को अर्घ दें। 5-7 बार कम से कम गायत्री मंत्र बोलें, जब तक वो जल सूर्य के देते रहेंगे तब तक गायत्री मंत्र बोलते रहें, उससे सूर्य का प्रभाव आपके लिए शुभ होगा। ये बहुत शुभ होता है क्योंकि सूर्य क्या है, सविता देवो, सूर्य सविता देवता है, तो ये गायत्री मंत्र में भी आता है सब चीज़, तो सूर्य की जो उपासना है वो गायत्री मंत्र के द्वारा ही की जाती है। तो आप गायत्री मंत्र बोल के अगर सूर्य को अर्घ देंगे तो उससे आपकी गायत्री मंत्र भी शुभ होगा आपके लिए, गायत्री मंत्र बड़ा लाभदायक होता है, और दूसरी बात शुभ सूर्य की शुभता आपको प्राप्त होगी। मंगल के लिए बात करते हैं, मंगल के लिए आप लाल वस्तुओं का दान करें अगर मंगल शुभ करना है आपने। लाल वस्तुओं में आता है गुड़ आता है, गेहूँ आते हैं, लाल चंदन आता है, लाल वस्त्र है, लाल फूल है, मसूर की दाल आती है, ये सारी चीज़ें लाल होती हैं,
आप ये चीज़ दान करिए, दान ऐसे व्यक्तियों को करना जो इनको यूज़ करें। हनुमान जी की सेवा भी इसमें बड़ी लाभदायक होती है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी का व्रत करिए, हनुमान जी का चूड़ा चढ़ाइए, बहुत अच्छा होता है आपके लिए। आप मंगलवार को इन सब चीज़ों का दान करें और मंगलवार को जो मंगल के बीज मंत्र हैं आप उसे जाप करें। हर मंगलवार को एक नारियल सूखा नहीं, जो पानी वाला आता है उसको घोड़ के खाते हैं, जटा वाला नारियल, एक नारियल आपको मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ाया। मंगल स्त्रोत का पाठ करें, मंगल के बीज मंत्रों का पाठ करें, आपको मंगल की शुभता प्राप्त होगी। तो प्रोग्राम आज ये समाप्त करते हैं, अगला प्रोग्राम लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।